थोड़े दिन पहले जो है आग लगी थी डुंगरी फलिया डुंगरा विस्तार में, जहां पर कई सारे गोडाउन जो है जलकर खाक हो गए थे और अफरा तफरी का माहौल हो गया था। कई सारी दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची थी। उसके चलते ही जीपीसीबी ने पोल्यूशन को नुकसान के चलते डुंगरा पुलिस थाने में जो है 13 के करीब लोग जो है उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया गया है। लेकिन इसके चलते एक बात कहना जरूरी हो जाती है कि इनके पास कोई प्रकार की परमिशन नहीं थी, कोई कागजात नहीं थे, तो इनके पास ये माल सामान स्क्रैप का वेस्ट कहां से आया? लीगल था, अनलीगल था, केमिकल वेस्ट था, किस प्रकार का था? इनको जिसने दिया है उनके ऊपर भी कार्यवाही हो जाए तो बहुत जरूरी हो जाती है साहब। धर दबोचो जिन्होंने भी इनको ये इस प्रकार का जो सब दिया हुआ है, इनके ऊपर गुनाह दाखिल किया होना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन के चलते बहुत सारा नुकसान हुआ, लोगों को अफरा तफरी का माहौल हो गया, जरूरी है। लेकिन छोटी मछली को आपने जिस हिसाब से इनके ऊपर कार्यवाही की है, तो बड़ी मछली भी जो लिप्त होगी तो उनके ऊपर भी जांच के बाद कार्यवाही हो जाए बहुत आवश्यक है। उसका कारण है क्या, आने वाले दिनों में इस प्रकार की घटना ना बने, बड़ा वाकयात ना हो जाए, उस बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, भारत।